बिहार के गांवों में नियुक्त किए गए नए बीपीएससी शिक्षकों को 15 किलोमीटर के दायरे में रहना होगा। अगर वो नहीं रहते हैं तो उनकी नौकरी भी जा सकती है। नमस्कार, कशिश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। बड़ी खबर है, शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने एक बार फिर साफ कर दिया है कि जिन शिक्षकों को जो स्कूल मिला है और गांवों में जो तैनाती हुई है उसके 15 किलोमीटर के इर्द गिर्द रहना होगा। इससे पहले के पाठक ने साफ कहा था कि जो शिक्षक गांवों में नौकरी नहीं करना चाहते हैं वो नौकरी छोड़कर जा सकते हैं। ऐसे में अब नया फरमान सामने आ गया है। दरअसल नव नियुक्त शिक्षकों के बीच पहुंचे थे शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक। इस दौरान उन्होंने अपना फरमान सुना दिया। क्या कुछ कह रहे हैं के पाठक, पहले आप वो पूरी बात सुन लीजिए। टेक्नोलॉजी को बढ़ावा करेंगे, आगे यही मीडियम रहेगा शिक्षा का, और 5 साल में देखिएगा शिक्षा देने का लेने का माहौल बदल जाएगा। सब कुछ कंप्यूटर से होगा। भरसा का हम सोच रहे हैं कि दुनिया मोबाइल पे सिमटती जा रही है, तो हो सकता है और 10 साल में शिक्षा का क्या रूप होगा, और जो भी होगा उसमें टेक्नोलॉजी का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होगा। आप लोग सारी चीजें सीखी, आपके स्कूल में SNA अकाउंट का ऑपरेशन कैसा है, नेक्स्ट डे है, एक SNA अकाउंट करके होता है, तो आप लोगों को उसका ऑपरेशन भी बता दिया जाएगा। आप लोग पढ़े लिखे जाएंगे तो वहाँ पे जो अभी जो वर्तमान में जो प्रिंसिपल है उनकी मदद कर सकेंगे SNA अकाउंट चला रहे हैं, तो वो सारे ऑपरेशन होते हैं। और बाकी यार ट्रेनिंग है, रहना खाना कैसा है, आराम है, आप बताओ क्या है, कहना है अच्छा है, सब कुछ ट्रेनिंग से कुछ सीखने को मिल रहा है, टाइम वेस्ट हो रहा है। विलेज विलेज स्कूल की पोस्टिंग आ गई है, ज्वाइन कर लिया है। स्कूल से घर की दूरी सबसे ज्यादा किसकी है, 20 किलोमीटर से ऊपर ज्यादा कौन रहता, 15 किलोमीटर, जल्दी से 15 किलोमीटर के अंदर कमरा ले लीजिए, ठीक है सर। और आता है 50 किलोमीटर, कितने रूल है, यूपी से रूल नहीं आओगी, रूम ले लीजिए। अच्छा, कई टीचरों आप में से कईयों को तो एक ही स्कूल मिला होगा, लड़कों को मिला, लड़कियों में एक ही स्कूल दोनों मिला, तो दोनों कमरा एक साथ ले सकती हैं, ठीक है, स्कूल भी एक तो कमरा भी एक। यहाँ पे भी मेरा सुझाव है 15 किलोमीटर के अंदर स्कूल के रेडियस में घर ले लीजिए, ठीक है। वो इसलिए ले लीजिए कि हम आप कहते रहिए 50 किलोमीटर से आप टाइम से आज ये जाएंगे, हम मानते नहीं, हम नहीं मानेंगे इस चीज, ठीक है। जब तक सरकार अपना दूसरा आपका बंदोबस्त नहीं करती है रहने का, आप लोग कोशिश कीजिए कि 15 किलोमीटर के अंदर आपस में भी कमरा, स्कूल भी कितने दूर है, मैं बीच में ही रहते हैं आपस। अब कौन सा जिला, औरंगाबाद है, आप में से दो स्कूलों के भी एक पंचायत में भी कई स्कूल होंगे, तो आप पंचायत के मुख्यालय में भी कमरा ले सकते हैं, समझ रहे हैं। तो मेरा ये कहना है कि गांव में रहना है, अभी से आदत डाल लीजिए। 20 कितने साल की नौकरी है ये, गाँव में 27-33 साल रहना है, तो एक वो जाना जाना 30 किलोमीटर नहीं कर दीजिए बात, ठीक है, तो 30 साल की जहाँ नौकरी है, और इस जिले में जिस जिले में आपको मिल गया है तो कम से कम आप 5 साल तो रहेंगे, ठीक है, उससे पहले डिस्टर्ब नहीं किया जाए, तो कमरा ले लीजिए, ठीक। आना जाना दूर से ये जो प्रथा चल गई थी, फिर धीरे धीरे क्या होता है, थकान हो जाती है, आदमी ना आता है ना जाता है, पहले थोड़ा देर से आता है, जल्दी चला जाता है, ऐसे धीरे धीरे शुरुआत होती है आलस की, ठीक है। अभी 2 महीना तो आप, 1-2 साल तो आप जोश में रहेंगे, लेकिन 2-4 महीने बाद डेली कम्यूटिंग जो होती है वो थकान पैदा करती है, फिर आप जो है 9 बजे की जगह 10 बजे पहुंचने लगेंगे, फिर 3-4 बजे विद्यालय खत्म होता है, आप 4 बजे की जगह 3 बजे भागना शुरू करेंगे, फिर 10 बजे की जगह फिर आप 11 बजे पहुंचेंगे, और 2 ही बजे निकल जाएंगे, उसके बाद आप जाना ही बंद कर, ये नौबत आ गई थी एक जमाने में सराज, वो ठीक कर दी गई। आप लोग नए हैं, आपसे आशा नहीं,
हम अब ये भी खबर रखेंगे कि आप 15 किलोमीटर से दूर अगर रह रहे हैं तो आपको कहा जाएगा 15 किलोमीटर के अंदर कमरा ले, ठीक है। गांव में रह सकते हैं तो स्वागत है, नहीं रह सकते हैं आप जा सकते हैं, ठीक है। एकदम गांव में रहना है, गांव की जनता बड़ी उम्मीदों से आपको आपका इंतजार कर रही है, समझ रहे हैं, मेहनत से पढ़ाना है, ठीक है। और बच्चे आपका रिस्पांस देंगे और बड़ी इज्जत मिलेगी आपको गाँव में, समझ रहे हैं, ठीक। तो सुन लिया आपने कि के पाठक क्या कह रहे हैं। उनका साफ कहना है कि 15 किलोमीटर के दायरे में ही रहना होगा आपको, स्कूल का जो दायरा है 15 किलोमीटर का, अगर उससे आप बाहर रहते हैं तो आपकी नौकरी जा सकती है, आप नौकरी छोड़कर चले जाएं। के पाठक दरअसल बक्सर जिले के दौरे पर थे और उन्होंने डुमराव में जिला शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान यानी डाइट का निरीक्षण किया और वहां प्रशिक्षण ले रहे शिक्षकों से उन्होंने मुलाकात की। पाठक ने उनसे कहा कि गांव में शिक्षा के विकास के लिए शिक्षकों की पोस्टिंग की गई है, वे अपने स्कूलों में 15 किलोमीटर के दायरे में रह सकते हैं, जो गांव में नहीं रहना चाहे वो जा सकते हैं, जो गांव में नहीं रहना चाहे उनके लिए विकल्प खुला हुआ है और उन्हें सभी से उन्होंने प्रशिक्षण में लेने में कोई परेशानी तो नहीं हो रही है, ये तमाम जानकारियां भी ली और खुलकर इस दौरान उन्होंने बात कही और बात जो थी सीधी सीधी उन्होंने कह दी कि आपको 15 किलोमीटर के दायरे में ही रहना होगा। उन्होंने शिक्षकों से कहा कि आप अच्छे से ट्रेनिंग लीजिए, टेक्नोलॉजी को हम लोग बढ़ाएंगे और आने वाले 5 साल में देखिएगा बिहार में शिक्षा का माहौल बदल जाएगा। तो के पाठक ने साफ कह रहा है कि 15 किलोमीटर के दायरे में रूम ले लीजिए, हर दिन 50 किलोमीटर आना जाना संभव नहीं है, 2-3 लोग आप लोग मिलकर एक साथ ऐसा कर सकते हैं। तो उन्होंने साफ साफ बताया कि आप 15 किलोमीटर के दायरे में रहें, न कि 50 किलोमीटर से रोज स्कूल आए। उन्होंने बताया कि आखिर जब दूर रहिएगा तो समय पर स्कूल नहीं पहुंच पाइएगा और इसे हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, 9 बजे की जगह आप 10 बजे स्कूल पहुंचेंगे, धीरे धीरे यह आदत बन जाएगी, 3-4 महीने में आप फिर 10 बजे के बजाय 11 बजे पहुंचने लगेंगे, लौटने के लिए 4 बजे के बजाय 3 बजे ही निकल जाएंगे। उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं चलेगा, ये नहीं हो सकता, तो ऐसे में आप दूर दराज से आने के बजाय 15 किलोमीटर के दायरे में ही रहें, जो स्कूल में आप नियुक्त किए गए हैं उसके 15 किलोमीटर के दायरे में आप रह सकते हैं और 3-4 शिक्षक मिलकर आपस में साथ रहे तो और बेहतर होगा। तो ऐसे में के पाठक ने एक बार फिर साफ कर दिया है कि गांव में जो शिक्षक नियुक्त किए गए हैं वो शहरों में रहने की भूल ना करें, बल्कि गांव के इर्द गिर्द 15 किलोमीटर के दायरे में ही रहे, ऐसे में अगर वो पकड़े गए तो उनकी नौकरी जाने का भी खतरा है। बने रहिए कशिश न्यूज के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।